तो आप ये देख सकते हैं हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम आज के ब्लॉग में मैं कहीं बाहर कोई न्यू प्लेस या कोई टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं आया हूँ आज अपनी ही किचन में। मैंने सोचा कि लॉकडाउन चल रहा है, कहीं बाहर तो शूट करने जा नहीं सकता हूँ अपनी वीडियो, क्यों ना एक कुकिंग वीडियो शूट करके मैं अपने चैनल पर डालूँ आप लोगों के लिए और अपनी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँ। मुझे शुरू से ही कुकिंग का शौक रहा है और कभी ना कभी बीच में मैं कुछ ना कुछ रेसिपी ट्राई करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब के थ्रू अपनी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग शुरू करता हूँ और आप देखिए माइक मेरी कुकिंग के साथ। खाने बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने पानी चढ़ा दिया है पतीले में और अब इसमें मैं डालने वाला हूँ मैक्रोनी। मैं पूरा एक पैकेट मैक्रोनी बनाने वाला हूँ और अब इस पानी में मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा नमक। और अब जब तक ये बॉयल नहीं हो जाती हमें इसको ऐसे ही रखे रहना है। आप देख सकते हैं कि हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है और अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि पानी को पूरा का पूरा निकाल लेंगे, मैक्रोनी को अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें डालने वाला हूँ थोड़ा सा घी ताकि आपको चिपके नहीं, और इसको आप मिक्स कर लें। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया हुआ है, आप कोई भी कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने तेल डाला है, सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ और हीट होने दे रहा हूँ इसको। तो फ्रेंड्स जब हमारा तेल गर्म हो गया हाँ इसमें डालने वाला हूँ मैं थोड़ा सा जीरा। तो जीरे को हम थोड़ा सा भूनते ही हम इसमें डाल देंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज डालते ही हम प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे लाल टमाटर। और आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन चिली भी बीच में मिक्स की हुई है, काट के चॉप करके रखी है, वो भी डाल ली मैंने बीच में। और अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, साथ में मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा टिक्की मसाला, लाल मिर्च, मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले सभी हम प्याज टमाटर के साथ। और अब इसमें जाएगा नमक, स्वाद अनुसार आपके जितना भी आप मतलब खाते हैं कम ज़्यादा उसके हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाथों की हिलाते रहिए इस मसाले को।
और अब जब मरम मसाला भुन के अच्छी तरह से तैयार हो जाए, जब आपको लगे कि मरम मसाला तैयार है, तो अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डालने जा रहा हूँ मैक्रोनी, और जब मैक्रोनी डाल दीजिए आपने, तो इसको अपने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है कि पूरी मैक्रोनी अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। और जैसे ही ये मैक्रोनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरी मैक्रोनी लगभग बनके तैयार हो चुकी है। तो गाइस, मेरी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रात को खाने वाले हैं डिनर के टाइम में। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा फिर मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।